हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन नागपुर इस टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो से गाइस आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक ऐसे PDF के भी बारे में बताने वाला हूँ जिस सिंगल PDF से आप सारे कॉलेजेस के जो कट ऑफ है गाइस वो चेक कर पाओगे। उसका कैसे आप एक्सेस कर पाओगे वो भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जितने भी टॉप कॉलेजेस गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग के लिए, इनका जो एनालिसिस है गाइस वो मैंने खुद से किया है। मेरे कुछ फिल्टर्स थे, उसके हिसाब से गाइस मैं आपको जो रैंक्स है वो बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो सबसे पहला कॉलेज है गाइस मेरी लिस्ट पे VNIT नागपुर। काफी बढ़िया कॉलेज है गाइस, और अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो मैं तो आपको बोलूंगा गाइस कि काफी बढ़िया आपको कॉलेज मिला है। इस कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स है गाइस काफी बढ़िया होते हैं। कॉलेज का जो कैंपस है वो भी काफी बड़ा और काफी बढ़िया है। काफी बढ़िया आपको इस कॉलेज में जो फैसिलिटीज है गाइस वो मिल जाएगी। अगर इसके रैंकिंग्स के बारे में बात की जाए तो गाइस काफी सारी अलग अलग रैंकिंग्स है। इस कॉलेज की 2020 के NRF रैंकिंग थी गाइस इस कॉलेज की 27, और इस साल की जो लेटेस्ट रैंकिंग है गाइस वो है 30, ठीक है। और इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा तो आपको JEE के थ्रू जाना पड़ेगा। CET के थ्रू गाइस आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। NIT कॉलेज है तो यहाँ पे CET का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड कॉलेज है गाइस मेरे लिस्ट में, ये है गाइस रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये भी कॉलेज गाइस पूरे नागपुर में काफ़ी बढ़िया कॉलेज माना जाता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस कॉलेज की जो NRF रैंकिंग है गाइस लेटेस्ट 2021 की वो है गाइस 119, और इस कॉलेज में काफी बढ़िया जो प्लेसमेंट्स है वो होते हैं। इस कॉलेज के जो कट ऑफ है गाइस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कॉलेज के कट ऑफ गाइस हाई जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के आप देख सकते हो 93 वगैरह जा रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस के जो कट ऑफ है गाइस इस कॉलेज के काफी हाई जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 99 के आसपास जो कट ऑफ है गाइस वो जा रहे हैं। जो कॉलेज है गाइस वो माइनॉरिटी में आता है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो देखने को नहीं मिलेंगे। एक तो ओपन देखने को मिलेगा और एक माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है गाइस वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एडमिशन मिलना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि जो कट ऑफ है गाइस वो आपको ओपन और MI मिलता है, और इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाता है, ठीक है। सेकंड कॉलेज है गाइस मेरे लिस्ट, थर्ड कॉलेज है गाइस मेरे लिस्ट में, ये है YCC। अब YCC मैंने थर्ड पे क्यों रखा, इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, ठीक है। तो YCC कॉलेज भी गाइस काफ़ी बढ़िया कॉलेज माना जाता है। ये भी कॉलेज गाइस एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, रामदेव बाबा ये भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। इस कॉलेज का जो कॉलेज कोड है गाइस वो है 4167। इस कॉलेज में गाइस काफ़ी सारी जो ब्रांचेस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस कॉलेज का जो लेटेस्ट NRF रैंकिंग है गाइस वो है 149, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये है 2021 की NRF रैंकिंग्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 149 नंबर पे आता है गाइस यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, ऑटोनॉमस कॉलेज है। और इस कॉलेज के जो कट ऑफ से गाइस वो थोड़े हाई है एज कम्पेयर टू इसके बाद वाला जो कॉलेज आएगा उससे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस कॉलेज के जो कट ऑफ है, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे 92 पे जाता है, ओपन और OBC वगैरह के भी जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी कॉलेज बढ़िया है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे जो ब्रांचेस है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ कॉलेज है गाइस मेरी लिस्ट में, ये है गाइस GS रायसुनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये पहले भी आ सकता था बट मेरे जो प्रेफरेंस थे, मेरे जो फिल्टर्स थे उसके हिसाब से गाइस ये मेरे लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आया है। इस कॉलेज का जो NRF रैंकिंग है गाइस वो YCC से भी बढ़िया है, YCC से भी बढ़िया है, क्योंकि इस कॉलेज का जो NRF रैंकिंग है गाइस इस साल का वो है गाइस 130, ठीक है। पिछले साल YCC और दोनों कॉलेजेस के जो रैंकिंग्स थे गाइस YCC और रायसुनी के, वो दोनों 139 थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस साल की जो रैंकिंग्स है गाइस इसमें हमें काफ़ी जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। GS रायसुनी का 130 रैंक है और YCC का 149 रैंक है, ठीक है। बट मेरे प्रेफरेंस अलग थे, ठीक है, क्योंकि मुझे कट ऑफ भी देखना था। तो इस कॉलेज के जो कट ऑफ है एज़ कम्पेयर टू YCC थोड़े कम है, ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। और इस साल में भी ओवरटेक भी कर सकता है, क्या पता, ठीक है, वो तो फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा। तो इस कॉलेज के आप कट ऑफ देख सकते हो गाइस, GS रायसुनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ, कंप्यूटर के कट ऑफ जो है गाइस वो हाई जाते हैं, बाकी कट ऑफ है गाइस वो थोड़े नीचे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। तो जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो कट ऑफ पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मेरे प्रेफरेंस वाइज ये जो कॉलेज है वो फोर्थ नंबर पे आया है। नेक्स्ट कॉलेज है गाइस LIT नागपुर। ये कॉलेज गाइस एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो मैं बोलूँगा गाइस ये बेस्ट कॉलेज है, यहाँ से गाइस आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट्स भी है, काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ भी है, गवर्नमेंट भी कॉलेज है, और यहाँ पे आपको जो फीस है वो भी आपको कम पे करना पड़ेगा। और इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और
केमिकल इंजीनियरिंग की पूरी ब्रांचेस है, तो केमिकल इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स इस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो कट ऑफ आप देख सकते हो गाइज़, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस केमिकल इंजीनियरिंग वाले जो सीट्स है गाइज वही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको आईटी कंप्यूटर साइंस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, 90 के ऊपर ही इस कॉलेज के जो कट ऑफ है गाइज वो जाते हैं। गाइज कट ऑफ चेक करना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें उस लिस्ट में जाना पड़ता है, कोई कॉलेज मिलता है कोई नहीं मिलता है, फिर कॉलेज कोड सर्च करना पड़ता है और काफ़ी सारा जो कन्फ्यूजन है गाइज वो होता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए गाइज और जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए हमने एक पीडीएफ बनाया गया, जिस पीडीएफ में आपको नागपुर के काफी सारे बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस के जो कट ऑफ गाइस वो एक ही पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। बस आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा उस कॉलेज के आगे कैप राउंड 1 या फिर कैप राउंड 2 पे, आपको उस कॉलेज का जो कट ऑफ गाइस वो देखने को मिल जाएगा। इतना अच्छा जो पीडीएफ है गाइस वो हमने बनाया है। तो ये है गाइस पीडीएफ, इस पीडीएफ में गाइस काफी सारे नागपुर के बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस के आपको जो नाम है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी गाइस, तो जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए उस कॉलेज के इंफॉर्मेशन पे गाइस आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे गाइस उस कॉलेज पे क्लिक करोगे तो आप उस कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। और अगर आपको उस कॉलेज के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखना है, ठीक है, अगर आपको कैप राउंड 1 का कट ऑफ देखना है तो आपको कैप राउंड 1 पे क्लिक करना है। तो सिंपली गाइस उस कॉलेज का प्रीवियस ईयर का कैप राउंड 1 का जो कट ऑफ है गाइस वो ओपन हो जाएगा। इतना बढ़िया सिस्टम है गाइस इस पीडीएफ में, और ऐसा बस एक ही कॉलेज के लिए नहीं है, सभी कॉलेज है गाइस यहाँ पे, रामदेव बाबा, YCC, रायसुनी, LIT, गवर्नमेंट, SBJN और भी बहुत सारे, ठीक है। तो जितने भी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस हमने ऐड किए हैं। जिस भी कॉलेज पे क्लिक करोगे उस कॉलेज की वेबसाइट खुल जाएगी, कैप राउंड पे क्लिक करोगे तो प्रीवियस ईयर कैप राउंड के जो कट ऑफ से गाइज वो ओपन हो जाएंगे। तो इस लिस्ट से गाइज, इस पीडीएफ से आपकी काफ़ी हेल्प होगी और आपको कट ऑफ सर्च करने में इसके बाद कोई भी जो प्रॉब्लम है गाइज वो नहीं आएगा, ठीक है। इस पीडीएफ की प्राइस है गाइज 30 रुपीज़, क्योंकि इसको बनाने में हमें काफ़ी सारी जो मेहनत और काफ़ी सारी चीज़ें लगी है। तो 30 रुपीज़ में आपको ये जो पीडीएफ है गाइज वो मिल सकता है। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा गाइज, उसको फिलअप कर देना और ये जो पीडीएफ है गाइज वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको कट ऑफ सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी गारंटी गाइस मैं आपको देता हूं। क्योंकि इस पीडीएफ से आपको मोबाइल में भी गाइस काफी बढ़िया तरीके से आप कट ऑफ सर्च पर कर पाओगे, और हमने बेसिकली इसको मोबाइल फ्रेंडली ही बनाया, क्योंकि हमें पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स मोबाइल में चेक करते हैं और उन्हें काफी प्रॉब्लम आता है। तो मोबाइल से आप इस पीडीएफ को काफी बढ़िया तरीके से एक्सेस कर सकते हो और इजीली सारे कॉलेजेस के जो कट ऑफ है वो भी चेक कर सकते हो। तो वापस आते हैं गाइस हमारे कॉलेज रैंकिंग्स के ऊपर। तो गाइस 5 कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए, अब 6वां कॉलेज है गाइस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। ये कॉलेज गाइस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है गाइस वो भी काफ़ी कम है। जो प्लेसमेंट है वो भी गाइस अभी यहाँ पे ठीक ठाक हो रहा है और इन फ्यूचर जो प्लेसमेंट्स है वो भी काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं। इस कॉलेज का जो कैंपस है गाइस वो थोड़ा छोटा है, बट गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस कम है, तो इसके फायदे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं गाइस वो उठा सकते हैं। तो इस कॉलेज के बारे में भी आप सोच सकते हो, बट गाइस ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इस कॉलेज के जो कट ऑफ है वो थोड़े हाई जाते हैं। तो कट ऑफ आपको देखना पड़ेगा, 90 अब वो भी गाइस इस कॉलेज के जो कट ऑफ है वो जाते हैं। अगर कंप्यूटर ब्रांच का आप देखते हो तो ओपन का 95 के आसपास भी टच करता है, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है गाइस इस कॉलेज का। और इस कॉलेज में जो इंटेक है वो भी थोड़ा कम है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाते हैं। बट जो फैसिलिटीज़ है, जो कैंपस है वो थोड़ा छोटा है, तो आपको वैसा देखना पड़ेगा। बट अगर आपको गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ है, जो फीस कम है, उसके फायदे लेना है तो ये कॉलेज आप ले सकते हो। और इन फ्यूचर गाइस ये कॉलेज और भी बढ़िया बन सकता है जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो गाइस, तो 6 कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए। इसके बाद गाइस जो भी कॉलेजेस मैं आपको बताऊंगा वो रैंकिंग के बेसिस पे नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको इन कॉलेजेस के जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो देने वाला हूँ। क्योंकि कुछ कॉलेज के, इन सारे जो बचे हुए कॉलेजेस हैं, इनके NRF रैंकिंग्स वगैरह नहीं है। कुछ कॉलेज ऑटोनॉमस है गाइस, कुछ कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है। किसी के जो कट ऑफ है गाइस वो हाई जाते हैं बस कंप्यूटर साइंस या फिर ऐसे कुछ ब्रांचेस में, और बाकी ब्रांचेस में जो कट ऑफ है वो थोड़े लो जाते हैं। तो ऐसा सब कुछ है, ठीक है। तो अभी इसके बाद बाकी सारे जो कॉलेजेस है गाइस, इनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, और इन सारे कॉलेजेस के जो डिटेल वीडियोज़ है वो भी मैं आपको दूंगा, ताकि आपको इन सारे कॉलेजेस के बारे में डिटेल और जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद है गाइस ST विंसेंट पलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भी कॉलेज गाइस एक काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में अगर बात की जाए गाइस, तो इस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो भी ठीक ठाक जाती है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। कंप्यूटर साइंस की इस कॉलेज की 85 के आसपास जो कट ऑफ है गाइस वो जाता है, ठीक है। और आप बाकी सारे जो कट ऑफ है वो भी चेक कर सकते हो, उस वाले PDF में भी गाइस इस कॉलेज के जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलेज है गाइस यहाँ पे SBJN इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ये भी कॉलेज एक बढ़िया कॉलेज है गाइस। ये कॉलेज एक ऑटोनॉमस कॉलेज भी है, और इस कॉलेज का जो कैंपस टूर है वो भी मैंने बनाया। इस कॉलेज का जो कैंपस है गाइस वो भी काफ़ी बढ़िया और बड़ा है, तो इस कॉलेज के बारे में भी आप सोच सकते हो।
इस कॉलेज की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात की जाए गाइस, तो आप देख सकते हो उस कॉलेज के जो कट ऑफ है वो थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू जो पहला कॉलेज मैंने आपको दिखाया था पलोटी वाला। तो यहाँ पे गाइस कंप्यूटर की 75 कट ऑफ 74-75 के आसपास कट ऑफ जाता है। बाकी सारे जो कट ऑफ से गाइस वो भी काफ़ी फिर कम देखने को मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर अलग अलग जो ब्रांचेस है उनके जो कट ऑफ से गाइस वो थोड़े आपको लो देखने को मिलेंगे, बट ये कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलेज है गाइस यहाँ पे प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज का कैंपस गाइस वन ऑफ द बेस्ट जितना मुझे लगा, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा इस कॉलेज का कैंपस। इस कॉलेज में काफ़ी सारे ब्रांचेस भी आपको मिल जाएंगे। अगर इस कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में बात की जाए तो इस कॉलेज में भी गाइज आपको कम परसेंटाइल में एडमिशन मिलने के चांसेस रह सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गाइज ज़्यादा हाई नहीं जाता है। कंप्यूटर ब्रांच का अगर हम कट ऑफ देखें गाइज, आईटी का देखें तो 66 था पिछले साल का, और फिर बाकी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो भी कम है। कंप्यूटर का था गई 63.35 और बाकी ब्रांचेस का फिर जो कट ऑफ है गई वो और भी कम जाता है, ठीक है इस कॉलेज का। फिर नेक्स्ट कॉलेज है गई यहाँ पे जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज गाइज एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। इस कॉलेज का जो कैंपस टूर है गई वो वर्चुअली आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इस कॉलेज में भी आपको फैसिलिटीज़ वाइज सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और इस कॉलेज का जो कैंपस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। प्लेसमेंट वाइज और सारी जो चीज़ है वो डिटेल वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं गाइज, तो इस कॉलेज के भी जो कट ऑफ है वो थोड़े लो जाते हैं, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख ही सकते हो गाइज, कट ऑफ जो है थोड़े लो है। कंप्यूटर का आप देख सकते हो 66.75 पे आपको यहाँ पे सीट मिल रही थी पिछले साल, इस बार में भी चेंज हो सकते हैं, कट ऑफ बढ़ भी सकते कम भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कट ऑफ है वो भी आप देख सकते हो। डिटेल वीडियो में मैं सारी जो चीज़ है वो भी कवर कर लूँगा। फिर गाइज यहाँ पे और एक कॉलेज GS रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी गाइज एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। NAC A+ एक्रीडेशन मिला है गाइज इस कॉलेज को, और इस कॉलेज की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो इसके भी हम कट ऑफ एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो गाइज GS रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका कॉलेज कोड आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो कट ऑफ है गाइज वो काफ़ी कम जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन कॉलेजेस के जो लिस्ट है गाइज वो लिस्ट बनाई है, रैंकिंग्स नहीं दी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का देख सकते हो, फिर आप यहाँ पे जो कंप्यूटर के कट ऑफ से गाइज वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्यूटर का हाई है इस कॉलेज का, बाकी जो ब्रांचेस है उसके जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल जाएगा इस कमिंस कॉलेज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन। तो ये एक वुमन्स कॉलेज है, यहाँ पे बस वुमन्स को ही है, बॉयज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये भी कॉलेज एक बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट वाइज काफ़ी सही से देखने को मिलेगा, इसका भी मैं डिटेल रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। इस कॉलेज के अगर हम कट ऑफ्स के बारे में बात की जाएगा इस, तो इस कॉलेज का भी जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो 74.95 पिछले साल था, इस साल में भी इसमें चेंज हमें देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सारे जो ब्रांचेस है उसके भी इस कॉलेज से जो कट ऑफ है वो कम है, जैसे बाकी सारे कॉलेजेस से इन ए वाली रेंज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलेज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गाइज यहाँ पे फिर KDK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी कॉलेज गाइज अच्छा है, इसका भी मैंने जो कैंपस टूर है वो मैंने आपको दिखाया था। ये इसको ग्रेड ए का कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है। इसके अगर हम कट ऑफ्स के बारे में बात की जाए तो गाइज इसके भी जो कट ऑफ है इसमें भी हमें वही वेरिएशन देखने को मिलता है। कंप्यूटर के जो कट ऑफ्स है वो हाई है, बाकी जो कट ऑफ्स है गाइज वो काफ़ी फिर लो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइज और भी नागपुर में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, अंजुमन कॉलेज है, फिर तुलसीराम गायकवाड़ कॉलेज है, वैनगंगा कॉलेज है, और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टॉप के कुछ कॉलेजेस गाइज मैंने आपको दिखा दिए, उसके बाद और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है, बट इनकी रैंक्स मैं नहीं निकाल सकता था क्योंकि यहाँ पे ना तो NRF रैंकिंग थी जज करने के लिए। प्लेसमेंट वाइज हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते थे क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी, और मैंने आपको बस उनकी जो इन्फॉर्मेशन है गाइज वो बता दी कि ऐसे ऐसे कॉलेजेस है। इन कॉलेजेस का डिटेल जो वीडियो है कि कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसा होता है, कितना बड़ा कैंपस है, कौन सी जो ब्रांचेस है इन कॉलेजेस में वो अवेलेबल है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इसलिए मैंने इन कॉलेजेस को जो रैंक है गाइज वो नहीं दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ कॉलेजेस मैंने आपको बताए, बाकी सारे भी कॉलेजेस गाइज काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी जो वीडियो है गाइज वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा गाइज जो PDF मैंने आपको बताया वो भी PDF गाइज काफ़ी बढ़िया है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस PDF में, एक ही PDF में गाइज आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, और अगर आपको जब ऑप्शन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो आप कट ऑफ वाइज जो सारे जो नाम है गाइज कॉलेज के वो डाल पाओगे, अगर आप इस PDF से जो रैंकिंग्स और कट ऑफ्स वगैरह गाइज वो देखते हो तो, ठीक है। तो इस कट ऑफ के लिए जो गूगल फॉर्म की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, जैसे आप फॉर्म भरते हो जल्दी आपको ये जो PDF है गाइज वो आपको ईमेल या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा था गाइज हमारा इंजीनियरिंग का वीडियो, होप्स आपको ये जो वीडियो है गाइज वो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉलेज ऊपर चाहिए था, ये कॉलेज नीचे चाहिए था, तो मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि ये सारी जो लिस्ट है वो मैंने खुद के एनालिसिस और खुद के फिल्टर्स पे बनाई है। इसमें चेंजेस आ सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।